गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम मिस आयना फ्रॉम प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5, मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वी नो दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर, एंड मैटर कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. Right, whatever we eat, we are seeing in the notebooks now, and we can see that the notebook is also composed of matter. So let's deal with this in Hindi. Matter क्या होता है? हमारे आसपास बस सारी चीज़ें matter की ही बनी हुई होती हैं, ठीक है? कोई भी चीज़ जिसका अपना वज़न होता है, मास होता है, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जो जगह घेरती है, उसको हम मैटर बोलते हैं. जैसे कि अभी आप अपनी कॉपीज़ में देख रहे हो, लिख रहे हो, वो मैटर है. आपका फ़ोन मैटर से बना हुआ है, आप खुद मैटर से बने हुए हो, ठीक है? अब आप दुनिया में जो भी काम करते हो, जैसे कि इस फिगर में दिख रहा है कि लड़की पानी पी रही है, तो पानी एक मैटर है, लड़की एक मैटर है, लड़की वुडन चेयर पे बैठी हुई, वुडन चेयर एक मैटर है, ठीक है? तो सारी चीज़ें जो भी आप आसपास ऑब्जर्व करते हो, वो किसी ना किसी मैटर की फॉर्म में लाई करती हैं. नाउ व्हाट इज़ अ मटीरियल? द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर दैट आर यूज टू मेक थिंग्स आर कॉल्ड मटीरियल. सो दिस वॉज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मटीरियल. मटीरियल क्या होता है कि अलग अलग किस्म, एक मैटर की अलग अलग किस्म जिनसे मिलकर चीज़ें बनी होती है, उसको हम मटीरियल कहते हैं. तो कुछ मटीरियल के एग्जाम्पल हैं हवा, पानी, मिट्टी, रॉक और लकड़ी. ये सारी चीज़ें होंगी नेचुरल मटेरियल. अब सिंथेटिक मटेरियल क्या होता है? आर्टिफिशियल मटेरियल बोलते हैं सिंथेटिक मटेरियल को, जिसका मतलब होता है कि जो हमें नेचर से नहीं मिला है, जो कि इंसान ने खुद बनाया है, ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड से. तो इसके एग्जांपल हैं प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, पेपर एट्सेट्रा. नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर. सो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. All the 3 states are made up of very tiny particles that are known as molecules, and the molecules can be solid, liquid or gas, and based on the arrangement we can define the molecules into 3 classes, that is solid, liquid and gas. So let's take the example of solids. Solids are very tightly packed. The molecules of the solids are very tightly packed. They are close to each other. That's why they have a fixed shape. For example, wood, cloth, paper, plastic, etc. So they can be cut or shaped as we want. Next one is they always take up the same amount of space. Now liquid. So liquid are the molecules that are very loosely packed. So liquid do not have any fixed shape. They take the shape of the container in which they are poured. Liquid has a tendency to flow, and that's they can be poured easily from one vessel to another, but they cannot be held easily, right? Next one is though liquid can change their shape, but they always take up the same amount of space, right? That means their volume always remains the same. So now let's deal with these topics in Hindi. तो matter 3 तरह के होते हैं, solid, liquid और gas. और इन तीनों तरह के matters किससे मिलके बने होते हैं? Molecule से मिलके बने होते हैं. Molecule क्या होता है? एक छोटा छोटा particle जो कि combine करके इन तीनों states को बनाता है. अब solid में क्या होता है, किस तरह के molecules होते हैं? तो solid में ये molecules है ना, बहुत ही tightly packed होते हैं. इनके आपस में space बहुत ही कम होता है, rigid होते हैं, इसलिए उनकी जो शेप होती है ना, वो बहुत फिक्स्ड होती है, ठीक है? और सॉलिड को हम जिस जगह पे रख देते हैं, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं और सेम अमाउंट ऑफ स्पेस लेते हैं, और इनको हम आसानी से काट सकते हैं और किसी भी शेप में ढाल सकते हैं. जैसे कि चीनी और फ्लोर, आटा हो गया, ये सारी चीज़ें सॉलिड्स हैं. इनको बेशक हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोड़ तोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सॉलिड्स हैं, क्योंकि इनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल भी मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं. नेक्स्ट इज़ लिक्विड. लिक्विड जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, और उनकी कोई शेप नहीं होती फिक्स, और जिस कंटेनर में उनको डालते हैं वो उसी की शेप ले लेते हैं, वो फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं, इसलिए आसानी से हम उसको एक से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है? और जिस कंटेनर में डालेंगे उसी की शेप वो ले लेते हैं, और उनकी जो है शेप बदलती रहती है, लेकिन जो उनका अमाउंट है या जो जो स्पेस उनको चाहिए वो उतना ही स्पेस लेते हैं, यानी कि उनकी वॉल्यूम सेम रहती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ गैसेस, राइट? सो गैसेज आर द मॉलिक्यूल्स दैट आर फार अपार्ट. गैसेज आर कंपोज ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट आर फार अपार्ट. दे आर वेरी लूजली पैक्ड, एंड देयर फोर दे डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप. And air is a mixture of various gases, for example, oxygen, carbon dioxide, nitrogen, water vapors, etc. Gases are invisible, we all know that. Gases do not have any fixed shape, they just
take the space in which they are kept, and unlike liquids, gases change their volume to fill up whatever space is available to them. Next one is gases can be compressed, right? Next one is matter change of states. So the thing is that matter keeps on changing state based on the temperature and the conditions given to it. For an example, a solid matter changes into liquid when heat is applied to it, right? And thus the point at which it changes into liquid, that point is known as the melting point, and the process is known as melting. Second one is liquid into gas. When we heat a liquid, it converts itself into gas, and in case of water we call that gas as stream, so this process is known as evaporation. Now let's deal with this topic in Hindi. Gases ka jo molecules hote hain wo dusro ek dusre se bahut dur dur hote hain, aur isliye gases ki koi fixed shape nahi hoti hai, aur jitne area unko de doge wo utne area mein phail jayenge. Yani ki jaise liquid mein volume constant rehti thi, inme volume jo hai constant nahi rehti, volume badalti rehti hai. Jitna area milega utne mein wo phailti chali jayengi, aur gases ko hum compress kar sakte hain, yani ki hum gases ko daba sakte hain kyunki wo volume unki zyada hoti hai, to unki volume ko aaram se ghataya ja sakta hai. Ab next टॉपिक है मैटर को, मैटर किस तरह से स्टेट्स चेंज करता है. अगर हम किसी भी सॉलिड पर हीट करें, यानी कि किसी भी सॉलिड को हम हीट करें, हीट अप्लाई करते रहें, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग, ठीक है. और अगर हम किसी लिक्विड को हीट करें तो वो गैस में चेंज हो जाता है. अगर हम ऐसा पानी के साथ कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं वाटर वेपर. और इस पूरे प्रोसेस को जिसमें लिक्विड हीट करने पर गैस में चेंज हो जाता है, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज़ कूलिंग. सो कूलिंग इज़ व्हेन अ गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. हाउ कैन वी डू दैट? वी कैन डू दैट बाय अप्लाइंग द लोअर टेम्परेचर, राइट, और बाय रिमूविंग द हीट फ्रॉम द सॉल्यूशन. सो दस यू मस्ट हैव सीन इन योर डेली लाइफ दैट व्हेन यू टेक आउट द बॉटल फ्रॉम द फ्रीजर एंड कीप इट इन द रूम फॉर सम टाइम, यू सी दैट सम ड्रॉपलेट्स आर एक्यूमुलेटेड on the sides of the bottle. Why this is so? This is because the water vapor present in the atmosphere changes into liquid on cooling, because the icy water is cooler than the atmospheric temperature. Therefore the gases from the water vapor from the atmosphere, after taking the coolness or after giving out the heat to the icy water, converts themselves into liquid. So this process is known as condensation. Next is liquid into solid. When water is cooled in a freezer, it becomes ice. Thus cooling a liquid can turn into a solid. This is called as freezing. Next is solution. So what is a solution? Whenever a solid is dissolved in a liquid, then it forms a solution. For an example, you make lemonade. In lemonade you actually add sugar, salt and lemon juice in water. So what happens, sugar and salt are solid and water is liquid. So whenever a solid dissolves in liquid, then a solution is formed. So lemonade is a kind of solution. Now solvent and solute. A solution has two parts, that is solvent and solute. So salt and water are mixed together to make a salt solution, right? This is the example of solvent and solute. Sugar and water are mixed together to make sugar solution. Here salt and sugar are solute and water is the solvent. Now let's deal with these topics in Hindi. Cooling kya hota hai? Ki jab gas, jo bhi atmosphere mein gas present hoti hai, wo liquid mein change ho jati hai. कब? अगर उसको कम टेम्परेचर मिलता है, अगर उसको ठंडक मिलती है, तो वो गैस से लिक्विड में चेंज जाता है, इसको हम कहते हैं कूलिंग. और फ्रीजिंग क्या होता है? जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है मैटर, उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग. तो आपने भी देखा होगा कि फ्रिज में, अपने फ्रीज़र में जहाँ जिसमें बर्फ़ जमती है, उस वाले कंपार्टमेंट में आपने बोतल रखी. अब वो बोतल बर्फ़ से जमी हुई है, तो उसके आसपास जितने भी बहुत सारी ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं ना. क्यों आती हैं? क्योंकि बॉटल में बर्फ़ है, वो ठंडा है. अब एटमॉस्फेयर में उतनी ठंडक नहीं है, एटमॉस्फेयर थोड़ा गर्म है, तो उसमें जितनी भी वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं, आइस के कॉन्टैक्ट में आके ठंडी हो जाती हैं, और वो एक तरह से कंडेंसेशन का प्रोसेस शो करती हैं, यानी कि कूलिंग शो करती हैं. कूलिंग मिलने पर वो कंडेंसेशन शो करती हैं, इस तरह से गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है. और आपने देखा हो कि बर्फ़ जमाने के लिए आप पानी को फ्रीज़र में रखते हो, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग. नाउ सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन क्या होता है? आपने देखा होगा जब भी किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो सॉल्यूशन बन जाता है. जैसे आपको नींबू पानी बनाना है, तो आपने चीनी, नमक, नींबू
का जूस डाल दिया पानी में, तो बन गया नींबू पानी। तो ये चीज़ें आपस में घुल जाती हैं, ठीक है। तो जिसमें चीनी और नमक तो सॉलिड थे ना, लेकिन वो पानी में डिजोल्व हो गए, घुल गए, तो उन्होंने एक सॉल्यूशन बना लिया। तो इस तरह से लेमोनेड एक सॉल्यूशन हुआ। एग्जांपल है सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन, यानी कि नमक को पानी में घोल दिया तो बन गया सॉल्ट सॉल्यूशन। शुगर एंड वाटर, जब आपने चीनी को पानी में घोल दिया तो बन गया शुगर सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सो सॉल्यूट इज़ अ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल दिस सॉल्ट। नाउ सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस दैट एक्चुअली इज अ लिक्विड एंड विच हैज़ द टेंडेंसी टू डिजॉल्व द सॉल्यूट इन इट। सो दीज टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज आर नोन एज सॉल्वेंट। तो अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो सॉल्यूट वो सब्सटेंसेज होते हैं जो कि लिक्विड में घुल जाते हैं, और सॉल्वेंट वो सब्सटेंसेज होता है, वो लिक्विड होता है जो सॉल्यूट को, सॉलिड मटीरियल को अपने अंदर घोल लेता है, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आ गया। सो विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 5, एंड विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल द सिलेबस ऑफ योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। इन केस ऑफ एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क मी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन आस्किंग, बट डू स्टडी, डू योर असाइनमेंट एंड सबमिट इट ऑन टाइम। टेक केयर।